दोस्तों, हम लोग गाजर पूरे के पूरे अवेंजर्स टीम की टोली बायर थॉमस ट्रेन के अंदर बैठ करके पूरा जगह घूम रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है थॉमस ट्रेन, सच में तुम यार रात के समय हमें पूरा लॉस सेंटोस घुमा रहे हो, उसके लिए शुक्रिया। फ्रैंकलिन, कोई बात नहीं, तुम हमारे दोस्त हो, तुम लोग के लिए कुछ भी, अगर कुछ भी और करना हो तो प्लीज जरूर बताना। अच्छा, ऐसी बात है क्या भाई थॉमस ट्रेन? भाई एक इच्छा तो मेरी भी है। पता है दोस्तों, मैंने यार आज से पहले कभी भी ट्रेन नहीं चलाया है, गाड़ी चलाई है, प्लेन चलाया है, साथ ही साथ बस भी चलाया है, बोट भी चलाया है, बट कभी ट्रेन नहीं चलाया है। थॉमस ट्रेन, क्या तुम मुझे ट्रेन चलाने दोगे? अवेंजर्स लोग, आज ट्रेन तुम्हारा भाई चलाएगा। आई लव फ्रैंकलिन, पागल हो गए क्या? तुम ट्रेन चलाओगे तो पक्का टोक देगे, क्योंकि तुम जब बाइक चलाते हो तब टोकते हो, गाड़ी चलाते हो तब टोकते हो, और प्लेन चलाते हो तो उसका एक्सीडेंट ही करा देते हो, अभी क्रैश लैंडिंग। प्लेन का क्या करोगे तुम? अरे क्यों डर रहा है स्पाइडरमैन, कुछ नहीं होगा, देख तो मैं इतना मस्त ट्रेन चलाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। फ्रैंकलिन, याद रखने के लिए हम लोग जिंदा तो बचेंगे ना, कि तुम मार दोगे हम सबको? मुझे नहीं लगता कि तुम ट्रेन चला भी पाओगे फ्रैंकलिन, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत होगी आयरन मैन और बहुत होगी अवेंजर्स, तुम सबको क्या लगता है कि मैं ट्रेन नहीं चला सकता? थॉमस ट्रेन, मुझे यार ट्रेन चलाने दो, आज ट्रेन तेरा भाई चलाएगा और इन सबको बता देगा कि भाई फ्रैंकलिन ट्रेन भी चला सकता है, तब ये सबको यकीन होगा कि भाई यार मैं ऑलराउंडर हूँ। चलो हटो, ट्रेन अब तेरा भाई चलाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चलो मुझे चलाने दो। अब दोस्तों ट्रेन देखो मैं ही चलाऊंगा। गाइस फाइनली यार मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ ट्रेन को चलाने के लिए। फ्रैंकलिन आराम से ट्रेन को चलाना, ठीक है? मुझे डर लग रहा है। अरे कोई डरने की बात नहीं है अवेंजर्स लोग, तुम लोग ठीक हो ना? आइले सर जी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, फ्रैंकलिन को ट्रेन चलाने क्यों दे दिए? अब पक्का कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। पता नहीं स्पाइडरमैन, अब ऊपर वाला समझे कि क्या होगा। चलो तो गाइस ट्रेन को चलाते हैं, ये चलो। फ्रैंकलिन कैसे चला रहे हो तुम? आइले कैसे चला रहे हो फ्रैंकलिन? अरे अरे ये ट्रेन कंट्रोल नहीं हो रहा। ओ नो, ये क्या? दोस्तों मैंने तो ट्रेन को पटरी से ही नीचे उतार दिया। फ्रैंकलिन ये तुमने क्या किया? तुम कैसे चला रहे हो मुझे? तुमने मुझे पटरी से उतार दिया, अब हम लोग सड़क में चल रहे हैं। अरे यार मुझे नहीं पता था कि भाई थॉमस ट्रेन सड़क में भी चल सकता है। दोस्तों ये क्या, बट गाइज़र मैं थॉमस ट्रेन को सच में सड़क के ऊपर चला रहा हूँ। चलो ये बात तो ठीक है कि भाई यार यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे ट्रैफिक थोड़ी ना होती है, इसीलिए गाइज़र यहाँ पे हमें कोई खतरा नहीं है। आई लव फ्रैंकलिन, बट तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? तुमको ये ट्रेन को पटरी में चलाना था, ना कि रोड पे। अरे यार अब जब ये रोड पे उतर ही चुकी है तो क्यों ना यार हम लोग इसे रोड में चला लेते हैं, दिक्कत क्या है? अब यार चलो एक काम करते हैं, थॉमस ट्रेन को गाइजर भाई सिटी मतलब कि यार भाई ऐसे ही चलाते हैं भाई, पटरी में चल चल के तो गाइजर हम लोग यार बोर ही हो चुके हैं, चलो अब रोड में चलाते हैं। फ्रैंकलिन नहीं, मुझे इसमें डर लग रहा है, प्लीज मुझे ऐसे मत चलाओ। अरे थॉमस ट्रेन कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे भी रोड में चलने से क्या ही डरना। चलो चलो स्पीड स्पीड स्पीड, एक सेकंड सामने कौन है, हट जाओ जल्दी से हट जाओ। ओ नो गाइजर, लगता है मैंने किसी को यहाँ पे उड़ा दिया। आई लव फ्रैंकलिन, तुमने क्या किया? हाँ फ्रैंकलिन, ये तुमने क्या किया? तुमने किसी मासूम की जान ले ली। अरे यार छोड़ो छोड़ो, अगर यहाँ पे रुकेंगे तो पुलिस आ जाएगी और हमें जेल में डाल देगी, और खास के खास और यार यहाँ पे थॉमस ट्रेन को भी बैन कर देगी। इससे अच्छा यही है कि हम लोग गाजर यहाँ से फुर हो जाते हैं, रास्ते से भाग जाते हैं। अब समय आ चुका है दोस्तों घर जाने का, क्योंकि हम लोग ने गाजर एक मासूम की जान ले ली है, मतलब कि वो मासूम को यार हम लोग ने ठोक दिया है। फ्रैंकलिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, जल्दी चलो, जल्दी से घर चलो, वरना पुलिस आ जाएगी और हम सब लोगों को जेल में डाल देगी। अरे हाँ हम सब लोगों को तो जेल में डाल देगी, और यार यहाँ पे थॉमस ट्रेन के साथ तो और भी बुरा होगा, क्योंकि वो तो मशीन है, वो गाइजर एक ट्रेन है, उसे तो तोड़ दिया जाएगा, इसीलिए यार चलो चलो जल्दी चलो भाई, जल्दी से चलना पड़ेगा, लेट्स गो घर चलो। गाइस फाइनल यार हम लोग आ चुके हैं अवेंजर्स हाउस, यहाँ पे गाइजर चलो अवेंजर्स लोग को जल्दी से छोड़ते हैं। अवेंजर्स लोग ये रहा अवेंजर्स हाउस, जाओ अवेंजर्स हाउस जल्दी से जाओ। फ्रैंकलिन ये तुमने ठीक नहीं किया है, हम लोग को रास्ते से वहाँ से फरार नहीं होना चाहिए था, अगर वो आदमी जिंदा होता तो हॉस्पिटल लेके जा सकते थे, तुमने गलत किया। अरे अवेंजर्स लोग अभी गलत सही का टाइम नहीं है, अभी तुम लोग जल्दी से घर जाओ बाबा, रात का समय है, कोई भी कुछ भी समझ सकता है, गलत सही छोड़ो, अभी मैं जल्दी जल्दी थॉमस ट्रेन को जल्दी से छोड़ के आता हूँ। चलो गाइजर थॉमस ट्रेन को जल्दी से गाइजर उसके घर मतलब कि उसके स्टेशन में जल्दी से छोड़ देते हैं, आओ थॉमस ट्रेन जल्दी चलो। फाइनली गाइजर हम लोग आ चुके हैं थॉमस ट्रेन के स्टेशन में, यहीं पे गाइजर थॉमस ट्रेन रहता है। अब जाओ थॉमस ट्रेन, तुम भी आराम करो, रात भर से तुम भी घूम रहे हो, जाओ। थॉमस ट्रेन मैं भी घर जा रहा हूँ सोने के लिए, और अगर यहाँ पे कोई भी पूछताछ हो ना तो तुम बताना कि तुम यहाँ से बाहर निकले नहीं थे, ठीक है? ठीक है फ्रैंकलिन, तुम जो कहते हो मैं वही करता हूँ, लेकिन हमें जेल तो नहीं होगी ना।
अरे नहीं हुई की भाई, बस जब मैं बोल रहा हूँ वही करना। तुम बस कुछ मत बोलना और चुपचाप यहाँ पे छुपे रहना। मैं भी गाजर जल्दी से घर जाता हूँ और घर जा करके सो जाता हूँ। ऐसा एक्टिंग करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। चलो यार मैं भी घर आ चुका हूँ। भाई सच में यार वो आदमी सामने से कैसे प्रकट हो गया समझ ही नहीं आया, और मैंने उसे गाजर ट्रेन से उड़ा दिया है। वो आदमी तो बचा ही नहीं होगा, मुझे तो कन्फर्म है। लेकिन चुपचाप मैं सो जाता हूँ भाई, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने ही उस आदमी को उड़ाया है। आप लोग भी यार किसी को कुछ मत बताना, ठीक है दोस्तों? तो चलो तो गाजर मैं जल्दी जाके सो जाता हूँ। ये क्या, किसने मुझे मारा? मैं तो यहाँ पे भूत बन गया। मैं यहाँ पे ये टनल को ऑपरेट करता था, किसी ने मेरे को मार दिया। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी यहाँ पे आत्मा तक निकाल दी गई है। अब मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सबको उन्हीं की ट्रेन से कुचलूंगा। अब मैं सबसे पहले वो ट्रेन को अपने वश में करूंगा, उसके बाद जो भी ट्रेन के अंदर थे उन सबको मार दूंगा। अब ये भूत किसी को नहीं छोड़ेगा। आओ वो ट्रेन अब मेरे कब्जे में होगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। चलो ये भूत अब किसी को नहीं छोड़ेगा, अब ये ट्रेन अब मेरे कब्जे में होगा। ये क्या, तुम कौन हो? क्या है यहाँ पे, क्या चल रहा है? ट्रेन अब तुम मेरे कब्जे में हो। आयला आधी रात में कौन है जो सोने भी नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा लाइट जला के? और तुम बाहर ही रुक, मैं आता हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आधी रात में लाइट जलाया हुआ है, पूरा परेशान कर रहा है, अवेंजर्स हाउस में घुस करके, छोड़ूंगा नहीं। आयला तुम हो कौन, जल्दी से बाहर निकलो, आधी रात में तुम आकर के परेशान कर रहे हो। कौन हो? थॉमस ट्रेन? तुम्हारे अंदर जरूर फ्रैंकलिन होगा। फ्रैंकलिन क्यों परेशान कर रहे हो लाइट ऑन करके आधी रात में? निकलो बाहर। एक सेकेंड, फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन तो नहीं है। और ये क्या, तुम्हारा चेहरे को क्या हो गया? ओह नो, ये तो थॉमस ट्रेन नहीं है, ये तो थॉमस ट्रेन जैसा एकदम नहीं है, ये तो रेड इविल थॉमस ट्रेन है। आयला सर जी, आयरन मैन, जितने भी सारे लोग एवेंजर्स लोग, जल्दी बाहर आओ, देखो ये क्या चल रहा है। आयला सर जी, ये तो लाइट बंद ऑफ कर रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? ओ नो, इसने तो मुझे मार दिया। ओ नो, ये तो ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ा रहा है। अरे मुझे कोई बचाओ। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तुम तो ठीक हो ना? स्पाइडरमैन तुम्हें हुआ क्या गया है? हेलो सर जी, वो ट्रेन को देखिए, वो हम सबको मार देगा। एक सेकंड, ये ट्रेन हमें मारने क्यों आया है? हेलो सर जी, मुझे जहाँ तक लगता है जो फ्रैंकलिन ने मारा है ना वो इंसान का, लगता है ये ट्रेन के अंदर उसका आत्मा आ चुका है और ये हमें मारे बिना नहीं जाएगा। ये क्यों, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ट्रेन, थॉमस ट्रेन, मुझे पता है तुम अंदर हो, मेरी बात सुन रहे हो, वहीं पे रुक जाओ। अगर तुम एक कदम भी आगे गए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थॉमस ट्रेन रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? थॉमस ट्रेन रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ। और ये क्या, इसने तो मुझे भी उड़ा के फेंक दिया। ये क्या, हेलो डॉक्टर स्ट्रेंज, हट जाओ वहाँ से, तो वरना ये थॉमस ट्रेन, इविल थॉमस ट्रेन तुम्हें भी मार देगा। हट जाओ, हट जाओ। अरे बाबा, ये तब मुझे भी मार दिया। आयला सर जी, पता नहीं इसने तो हम सबको मारा है, अब पता नहीं लॉस एंटोस में किस किस को मारेगा। और स्पाइडरमैन, हमें जल्दी जल्दी ये रेड इविल थॉमस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। अरे कोई फ्रैंकलिन को बताओ, उसके चक्कर में इतना बड़ा कांड हो चुका है, वो भी लॉस एंटोस में। गाइस जो भी बोलो ना यार, नींद नहीं आ रही है। मतलब कि मैंने यार ट्रेन चला के बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसा लगता है। वो बंदे को नहीं मारना चाहिए था, और अगर चोट लग भी गया था, हो सकता था कि मैं गाजर रोकूं और उसे हॉस्पिटल लेके जाऊं, वो ज्यादा सही होता। एक सेकंड, ये ट्रेन की आवाज मेरे घर के बाहर से क्यों आ रही है? और से भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, भाई रेलवे स्टेशन तो मेरे घर के बहुत दूर है, तो भाई ट्रेन का आवाज कभी भी मेरे घर के पास तो नहीं आता था। ओ नो, ये ट्रेन की आवाज तो पास से चली जा रही है, जरूर आसपास कहीं ना कहीं कोई ट्रेन है। चलो एक काम करता हूँ, बाहर चलता हूँ। गाइस मैंने यार यहाँ पे टॉर्च निकाल लिया है, अब चलो गाइजर बाहर चलते और देखते हैं कि भाई कोई ट्रेन है क्या। चलो चलो जल्दी चलो। एक सेकंड, कुछ तो नहीं है। ये क्या, ये तो थॉमस ट्रेन है। पर नहीं दोस्तों, भाई यहाँ पे, भाई आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसके चाल में फंस मत जाना, ये थॉमस ट्रेन नहीं। इसकी हंसी देखो कितनी ईवल है, ये गाइजर रेड ईवल थॉमस ट्रेन है। ओह नो गाइजर, ये तो पूरा रेड है, और रेड मतलब खतरा। ये जरूर गाइजर मुझे मारने के लिए आया होगा। भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे गाइजर चुपचाप यहाँ पे बाइक उठानी चाहिए और यहाँ से भागनी चाहिए, तो वरना ये मुझे छोड़ेगा नहीं। भागो। ओह नो गाइजर, ये क्या, ये रेड इविल थॉमस ट्रेन मेरा पीछा कर रहा है। लगता है गाइजर ये मुझे मार के रहेगा, उससे पहले गाइजर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे मेरी बाइक जल्दी चल भाई, तो वरना ये रेड इविल थॉमस ट्रेन मुझे छोड़ेगा नहीं। ये देखो ये तो मुझे मारने के लिए आ रहा है। अरे भागो भाई भागो। अवेंजर्स लोग मुझे बचाओ, तो वरना ये रेड इविल थॉमस ट्रेन मुझे मार देगा। अवेंजर्स लोग तुम लोग कहाँ पे हो? अरे मेरी बात सुनो,
भाई लोग मैं फोन कर रहा हूँ अवेंजर्स लोगों को, बट गाजर ये लोग तो फोन में नहीं उठा रहे हैं। गाइस ये देखो सच में गाजर ये रेड इविल थॉमस चेन तो मेरा यार पीछा करा जा रहा है। मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ थॉमस चेन मेरा पीछा मत करो, बट यार ये तो बात मान ही नहीं रहा है। गाइस मुझे यार यहाँ पे अपना रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा जिससे गाजर मैं इससे बच के भाग पाऊँ। फाइनली गाजर बच के भाग गया, अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, अब वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। फाइनली गाजर पीछा छूट गया उससे। चलो यार फाइनली मैंने गाजर रेड इविल थॉमस चेन से पीछा छुड़ा लिया है, अब वो नहीं आएगा यार हमारे पीछे। एक सेकेंड ये क्या भाई, ये तो हमारे पीछे ही आ रहा है। भाई मुझे लगा कि ये मेरा पीछा छोड़ दिया है, बट नहीं ये तो मेरे पीछे ही पड़ चुका है। अरे भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, तो वरना ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे भाग भाई भाग। गाइस चलो यार मैंने रेड इविल थॉमस चेन को बहुत पीछे छोड़ दिया है, अब वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। चलो बढ़िया है, चलो गाइजर जल्दी चलो। मैं काम करता हूँ कोना में छुप जाता हूँ, ये छुपने का जगह एकदम सही है। मैं यहाँ पे गाइजर छुप गया, अब वहां से देखो रेड इविल थॉमस चेन पार हो जाएगा, देखना आएगा ही नहीं मेरे पास। चलो चलो बढ़िया है, वो तो गाइजर नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा है ना भाई। एक सेकेंड ये क्या भाई, वो मुझे ढूंढ रहा है और उसको मैं मिल गया। ओह नो यार ये सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब मैं क्या करूं, अवेंजर्स में आ रहा यार, ये तो मेरा सच में पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे मुझे जाने दो भाई प्लीज, मुझे जाने दो, तो वरना ये मुझे खा जाएगा। अरे भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। दोस्तों फाइनली यार मैं कैसे भी भागते भागते अवेंजर्स हाउस तो आ चुका हूँ। जल्दी से ये सारी की सारी बात अवेंजर्स लोगों को बताता हूँ जो यार ये मेरी मदद करेंगे। एक सेकंड भाई, अवेंजर्स लोगों की खुद की हालत खराब है, ये मेरी मदद कहाँ से करेंगे। अवेंजर्स लोग तुम लोग ठीक हो ना भाई, ये क्या हो गया, तुम सब लोग गिरे पड़े हुए हो, ऐसा लग रहा है कोई तुम्हारे यहाँ की बैंड बजाया है। आई लव हाँ फ्रैंकलिन, वही रेड इविल थॉमस चेन हम लोग सबकी बैंड बजा दिया है। पता है जो तुमने रास्ते में आदमी को ठोका था ना, मुझे लगता है उसकी आत्मा रेड इविल थॉमस चेन के अंदर है और वो हम सबको मारे बिना चैन नहीं लेगी। ओह नो गाजर ये तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ पे अवेंजर्स लोग की हालत देखो, हमें कुछ भी करके गाजर वो रेड इविल थॉमस चेन को रोकना पड़ेगा। तुम सब लोग चिंता मत करो अवेंजर्स, मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ जिससे मैं रेड इविल थॉमस चेन को रोक लूंगा, उसके बाद तुम लोग अपना ख्याल रखना। भाई मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रहा ना तो हो सकता है कि रेड इविल थॉमस चेन मेरा पीछा करते करते यहाँ पे फिर से आ जाए और अवेंजर्स लोग को फिर से मारे। अब गाजर मुझे यार यहाँ पे रेड इविल थॉमस चेन को रोकने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। भाई रेड इविल थॉमस चेन एक भूत है और भूत से लड़ने के लिए गाजर भूत ही काम आएगा, तो लॉस सैंटोस में दोस्तों कौन सा भूत रहता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ आपने सही किया, लॉस सैंटोस में भूतों की जो टोली है ना वो रात में ही तो जागती है। चलो मैं काम करता हूँ, ग्रैनी सर्बियन डांसिंग लेडी और इसके जितने भी टीम मेंबर है ना उन सब के पास जाता हूँ और मदद मांगता हूँ। अगर वो लोग गाइजर मेरी मदद कर देंगे भाई यहाँ पे थॉमस चेन को रोकने के लिए रेड इविल थॉमस चेन को, तो गाइजर सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। तो चलो तो गाइजर जल्दी चलते हैं भूतों के पास, भूतों की टोली में चलो। दोस्तों फाइनली यार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ग्रैनी से मिलने के लिए और ग्रैनी की सारी टीम लोग यहीं पे होगी, जो भी भूतिया टीम लोग कहते हैं वो। देखो ग्रैनी इवलन और गाजर हेलो नेबर, ये तीनों यहीं पे हैं। चलो बढ़िया है, ये सब लोग मिल चुके हैं, तो ये लोग गाजर अगर मेरी बात माने तो भाई यार यहाँ पे इवल थॉमस चेन को रोक पाएंगे, क्योंकि ये लोग भी तो इवल ही हैं। ग्रैनी हेलो अंकल, और यहाँ पे इवलन, मुझे तुम लोग तीनों से काम है, प्लीज मेरी मदद करो। तुम लोगों को नहीं पता बट लॉस सैंटोस में बहुत बड़ी मुसीबत घूम रही है। हमसे बड़ी मुसीबत कौन सी आ गई लॉस सैंटोस में, और फ्रैंकलिन तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे इलाके में वो भी रात के समय, आना मना है तुम्हें नहीं पता। अरे यार मान दे मना है, लेकिन यार मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम लोग की मदद चाहिए। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे ना तो तुम लोग जो चाहोगे मैं वो तुम लोग को दूंगा। जो चाहोगे वो दोगे फ्रैंकलिन? सच में? हाँ हाँ तुम लोग जो चाहोगे मैं वो दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम लोग की मदद चाहिए। ठीक है तो चलो हम लोग कम से कम तुम्हारी बात तो सुन लेंगे, जरा बोलो। हाँ हाँ अगर बात समझ में नहीं आई ना और अगर मुझे ढंग की नहीं लगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा फ्रैंकलिन, यहीं पे गाड़ दूंगा जमीन के नीचे। अरे यार गाड़ना उड़ना बाद में, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम लोग को नहीं पता बट पता है आज रात मैं यहाँ पे ट्रेन चला रहा था। ट्रेन? वो भी तुम पागल हो गए हो क्या, ट्रेन कौन चलाता है? अरे पूरी बात तो सुन लो ग्रैनी, मुझे यहाँ पे शौक था ट्रेन चलाने का, तो मैं ट्रेन चला रहा था और वो ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई, फिर मैं रोड में चलाने लगा और रोड में एक मासूम के ऊपर मैंने चला दिया जिससे उसकी जान चली गई और उसकी आत्मा चली गई है रेड इविल थॉमस चेन के अंदर, और उसकी आत्मा चली गई है थॉमस चेन के अंदर, और वहां पे थॉमस चेन बन चुका रेड इविल थॉमस चेन। उसने
पूरे के पूरे अवेंजर्स लोग को खत्म कर दिया है, मतलब कि मार डाला, और अवेंजर्स लोग अधमरे टाइप के हो चुके हैं, बेहोश पड़े हुए अभी भी घर में, और वो चाहता है कि वो मुझे भी मार दे फिर धीरे धीरे करके लॉस सैंटोस में राज करे, इसीलिए उसे रोकने के लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। लॉस सैंटोस में हम जैसे बुरे काफी हैं, और बुराई नहीं चाहिए। अगर वो कुछ भी है, अगर वो नहीं जाएगा यहाँ से, तो हम लोग उसे मार के भेजेंगे। उसे रोकने का तरीका बताओ फ्रैंकलिन। अच्छा, रोकने का तरीका तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना तक तो पता है, अगर उसे हम लोग रोक दे, मतलब कि पटरी से उतार के स्टॉप कर दें, तो वो रुक जाएगा और उसकी सारी की सारी पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक वो चलता रहेगा तब तक उसकी पावर बढ़ती रहेगी। इसका ये मतलब है बस हमें ट्रेन को रोकना है। हाँ, मतलब इसका मतलब तो यही है कि तुम लोगों सिर्फ ट्रेन को रोकना है। क्या तुम लोग रोक पाओगे? फ्रैंकलिन, ट्रेन को रोकना हमारी कानी उंगली मतलब छोटी उंगली का काम है। चलो रोक के दिखाती हूँ मैं तुम्हें। सोच लो, अगर तुम लोग नहीं रोक पाए ना, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा ट्रेन, और तुम सब लोगों को कुचल देगा, और तुम सब लोग भी अधमरे टाइप के मर जाओगे। फ्रैंकलिन भूल गए क्या, हम लोग कौन है? बुरे लोग हैं, और बुरे लोग से अच्छे काम की उम्मीद नहीं रखते, और तुम काम ही लेके आयो बुरे वाले, तबाही वाले, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। चलो सारे के सारे तीनों लोग चलते हैं और वो ट्रेन को रोकते हैं। पता नहीं कौन सा लाल पीला टमाटर ट्रेन आ चुका है जो सबको मार रहा है। यहाँ पे सिर्फ लॉस सैंटोस में मारने का हक हम ही लोग का है, समझे? चलो तो यार बढ़िया है, यहाँ पे ये लोग तीनों मान चुके हैं कि भाई ये रेड इवल थॉमस ट्रेन को रोकेंगे, तो चलो यार जल्दी चलते हैं रेड इवल थॉमस ट्रेन को रोकने के लिए। लेट्स गो दोस्तों। इवल नन और बाकी सारे लोग, यहीं से ट्रेन पार होगी, इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ। सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगी, ये ट्रेन को एक ही बार में रोक दूंगी, देखो। अच्छा यार देखते हैं कि भाई इवल नन यहाँ पे क्या करती है। इवल नन तो फुल कॉन्फिडेंस है, देखते हैं कि वो ट्रेन को रोक भी पाती है कि नहीं। इवल नन देखो वो ट्रेन आ रही है, रेड इवल थॉमस ट्रेन आ रही है, अब तुम रोको उसे। चिंता मत करो, मैं एक बार में रोक दूंगी। ये लो। ये क्या इवल नन, उसने तो तुम्हें यार उठा के पटक दिया। मैं रोक नहीं पाई, इसने मुझे कुचल दिया। ये तो बहुत ताकतवर है। मुझे पहले ही लग रहा था इसकी बातों में, बोल रही थी एक कानी उंगली से छोटी उंगली से रोक देगी, बट ये रोक ही नहीं पाई। इवल नन को छोड़ो, अब यहाँ पे हेलो नेबर बताएगा कि ट्रेन को कैसे रोकते हैं। एक फावड़ा फेंक के मारूंगा कि ट्रेन रुक जाएगा। अच्छा गाजर, अब यहाँ पे हेलो टीचर आए हैं, वो भी ट्रेन को रोकने के लिए। अब देखते हैं हेलो टीचर ये ट्रेन को रोक पाते हैं कि नहीं। अरे एक बार मैं रोक दूंगा, चिंता क्यों करते हो, देखो मेरे बाएं हाथ का खेल। देखते हैं यार अब यहाँ पे हेलो टीचर का बाएं हाथ का खेल कैसा होता है। ये देखो यार ट्रेन आ चुकी है। चिंता क्यों करते हो, ट्रेन को तो मैं बाएं हाथ में उड़ा दूंगा। ये देखो ट्रेन उड़ गया। हाँ हाँ उड़ गया, दिखा भाई कहाँ हवा में उड़ा, दिखाना जरा, चांद के पास पहुँच गया ना। सच में ये ट्रेन तो बहुत ताकतवर है, ये तो नहीं हो पा रहा, मैं इसे रोक नहीं पा रहा, इसने मुझे दो बार गिरा दिया। ट्रेन की तो ऐसी की तैसी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी तो सांस फूल रही है। नहीं नहीं लगता है मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे अंकल बुढ़ापे में ट्रेन के नीचे आके दब के मर जाओगे, ऐसे भी तुम भूत ही हो। अरे गाइजर मैंने भी किसको बुला लिया है, तुम सब लोग कोई काम के नहीं हो, तुम सब लोग कहाँ ट्रेन को रोक पाओगे। फ्रैंकलिन तुमने ग्रैनी को जो बुलाया है, अब देखो ये ग्रैनी रोक के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, देख लेना, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब देखो ये ट्रेन कैसे रुकेगी। ओके यार अब ग्रैनी बोल दिया, इसका ये मतलब है कि ग्रैनी तो पक्का ही रोक के दिखा देगी ट्रेन। अब देखते हैं कि भाई ग्रैनी ट्रेन को रोक पाती है कि नहीं। ट्रेन को आने देते हैं। तुम ट्रेन अब बचोगे नहीं मुझसे, मैं तुम्हें रोक के रहूंगी, रुक जाओ। हाँ हाँ ग्रैनी ये क्या कर दिया, ये ट्रेन तो तुम्हें ही लेके जा रहा है। ये क्या, ये ट्रेन तो मुझे भी नहीं छोड़ा। भाई ग्रैनी को भी लेके चला गया घसीट के ये ट्रेन तो बहुत ताकतवर है। अब क्या करोगी ग्रैनी तुम? ग्रैनी अब हमें क्या करना है बताओ, तुमने वचन दिया था कि तुम यहाँ पे थॉमस ट्रेन को रोक के रहोगी, रेडिवल थॉमस ट्रेन को अब क्या करना है जल्दी बताओ। मैंने वचन दिया था तो मैं करके रहूंगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। हम लोग तीनों अपनी सारी की सारी पावर तुम्हें देते हैं फ्रैंकलिन, जिससे तुम ताकतवर बनोगे और तुम यहाँ पे ये ट्रेन को रोकोगे। क्या तुम सब लोग अपनी ईविल ताकत मुझे दे रहे हो, लेकिन वो क्यों? ये ट्रेन को कुछ भी करके रोकना है, चाहे मैं रुकूं या फिर मेरी पावर, लेकिन रोकना ही होगा। ओके गाइजर अब मुझे इन तीनों की पावर मिलेगी। चलो ठीक है मुझे तुम लोग तीनों अपनी पावर दे दो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम पावर लेने के लिए जा रहे हो, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों ये मैं कहाँ गिर रहा हूँ,
एक सेकंड, ये तो गाजर वही नर्क है जहाँ से यार ग्रैनी और उनके जारे के सारे दोस्त लोग आए हैं। ओनो ये मैं कहाँ गिर रहा हूँ। एक सेकंड गाजर, ये क्या, मुझे पावर तो मिली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे गाजर एक तरीके का सूट मिला है जिससे गाजर मैं यहाँ पर लड़ाई और प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सामने कौन है, इतना बड़ा लावा गॉड, ये क्या कर रहा है। अच्छा तुम ही हो जिसने ग्रैनी और उनके साथियों की पावर ली है। अगर तुम उस पावर के लायक हो तो मुझे हरा के दिखाओ, तब तुम वो पावर को इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से और अपने लिए। अगर तुम मुझे हराने में नाकाम रहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा और जितने भी पावर है सब खत्म कर दूंगा। तो मुझे दिखाओ कि तुम पावर के लायक हो। क्या, मैं अगर लावा गॉड को नहीं हरा पाया तो ये मुझे मार देगा और मेरी पावर भी छीन लेगा, और अगर मैं लावा गॉड को हरा दिया तो गाजर मुझे यार यहाँ पे सारी की सारी भूतिया पावर मिल जाएगी। ग्रैनी, इवन लन और गाजर हेलो नेबर की, और मैं गाजर यहाँ पे ट्रेन को भी रोक पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, भाई से हराना चाहिए, बट इतना बड़ा लावा गॉड कैसे हरेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस चलो यार कुछ करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। सोच फ्रैंकलिन सोच, तेरे पास इतना सारा हथियार है, कुछ तो इस्तेमाल करके देख। चलो गाजर एक काम करता हूँ, आरपीजी इस्तेमाल करके देखता हूँ और मुंह पे मारता हूँ। गाइस मारता हूँ लेकिन ऊपर मेरा आरपीजी जा ही नहीं रहा है, तो घंटा उसके ऊपर असर करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सब चीज मेरे लिए चीटियों की तरह है, खिलौने हैं खिलौने, कुछ नहीं होगा मुझे। गाइस मैंने यार यहाँ पे सिर में मारा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर गाइजर मैं यहाँ पे लावा गॉड को गिरा दूं ना एक बार तो गाइजर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा है कि उठ ही नहीं पाएगा। तो मुझे यार इसको पैर में वार करना चाहिए इसके, एक बार मैं पैर में वार किया ये खत्म हो जाएगा। लेट्स गो यार, पैर को निशान बनाते हैं और मारते हैं, क्या पता मेरा ये काम कर जाए। ओके कर गया, और गाजर मैंने पैर में सही जगह मारा जिसके वजह से गाजर ये देखो लावा गॉड गोल गोल घूमते हुए भाई नीचे गिर रहा है, और ये अब खड़ा भी नहीं हो सकता। देखा भाई, मेरे पास पावर हो या ना हो लेकिन दिमाग यार जरूर है। ये क्या, मैं आ चुका हूँ गाजर अपनी दुनिया में, और ये क्या, मेरे पास पंख आ चुके हैं। ओके मेरे पास शक्ति आ गई है, और ये देखो ट्रेन आ रहा है, ये ट्रेन की तो ऐसी की तैसी। अब देखो मैं ट्रेन को कैसे रोकता हूँ, ये ट्रेन ऐसी की तैसी, अब मैं ये ट्रेन को रोक के दिखाऊंगा दोस्तों, देखना। गाइस ये देखो मैंने गाजर यहाँ पे ट्रेन को उठा के पटक दिया है, और ये देखो ट्रेन गाजर पानी के अंदर चला गया, मतलब कि यार मैंने यहाँ पे ट्रेन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, पानी के अंदर भेज दिया है। वो देखो गाइस ये देखो भाई, यहाँ से मैंने पानी में रेडिवल थॉमस ट्रेन को भेजा, और गाइजर यहाँ पे ब्लू नॉर्मल थॉमस ट्रेन वापस आ चुका है। इसका ये मतलब है कि हमारा फ्रेंड थॉमस ट्रेन वापस आ चुका है। फ्रैंकलिन मैं वापस आ गया। हाँ यार मैं देख रहा हूँ, और जो भी काला जादू भूत था सब गाइजर पानी में धुल चुका है। और गाइस इधर देखेंगे तो भाई यार यहाँ पे अवेंजर्स लोग और साथ ही साथ गाइजर यहाँ पे ग्रैनी, इवलन और हेलो नेबर लोग आए हैं, मतलब कि अंकल जी। और गाजर ये देखो सूरज भाई उगने ही वाला है, तो गाजर भाई यहाँ पे सब चीज खत्म हो चुका है, रेडिवल थॉमस चेन गया तेल लेने के लिए, और भाई यहाँ पे हमारा थॉमस चेन भी वापस आ चुका है, अवेंजर्स लोग भी ठीक है, और यहाँ पे गाजर ग्रैनी और ये सब लोग भी ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे सुपर पावर तो नहीं लेकिन गाजर ईवल पावर आ चुकी है। तो तुम सब लोग का शुक्रिया मदद करने के लिए, और गाजर आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर गाजर पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। ओके दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।